प्रीस्त और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु जी, एक और नया दिन, न्यू डे आज हम सभी लोगों के जीवन में आपने दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये आपका अनुग्रह है, ये और आपका ग्रेस है प्रभु जी। उस विशेष अनुग्रह कृपा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति की आपने हमारे जीवन में सांसें दिए पिता परमेश्वर, कि एक और नया दिन दिया ताकि और हम आपकी महिमा कर सके और हम आपके क्लोज जा सके प्रभु जी और आपके नाम की महिमा कर सके, ग्लोरीफाई कर सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना में आज शुरू से लेके अंत तक बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने भाई बहन आज अपने जीवन में दुखित हैं, कितने लोग परेशानियों में होकर गुजर रहे हैं, आज अब कितने लोग निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बदल देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु क्या कर सकता है? सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। विद इन सेकंड में सब कुछ, एवरीथिंग बदल सकता है परमेश्वर। हालेलुया। और अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु तो सब कुछ कर सकता, तो मेरे जीवन में प्रभु तुरंत करना चाहिए, अभी करना चाहिए, अभी 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 के अभी होना चाहिए। आप सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में आशीष को लेना। हालेलुया। लेकिन जब हम बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में, आप सभी जानते हैं, बहुत लोगों ने सुना है कि अब्राहम परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो सब कुछ उसको मिला उसके जीवन में, क्या आप जानते हैं वो कैसे मिला? वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। और अब आप सोच रहे होंगे कि सबको छुटकारा चाहिए, सबको और बीमारियों से आजाद चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? आप सभी लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार बदल जाए, मेरा हस्बैंड बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मुझे बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरी रिपोर्ट निगेटिव आ जाए, मेरा मुझे वीज़ा मिल जाए, मेरा डॉक्यूमेंट हो जाए, मुझे परमानेंट रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट मिल जाए, मेरा पेपर लीगल हो जाए। सब कुछ चाहते हैं कि आपके जीवन में बिजनेस हो, नौकरी हो, एवरीथिंग सब कुछ चाहते हो। तो क्या आप ये चाहते हो कि आप परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में हो? हम कैसे परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं? कैसे हम कैसे उस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं? कैसे हम उस नौकरी को, उस अपने बिजनेस को ब्लेस होते हुए देख सकते हैं? कैसे हम आशीष को ले सकते हैं? कैसे हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में? तो जब हम अब्राहम के जीवन से जब हम देखते हैं, ध्यान से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर के पीछे चलता था, जो प्रभु ने बोला वो किया। हालेलुया। और पढ़ें उस वचन को, उत्पत्ति 12 अध्याय, अब उसका पहला से लेके चौथा वचन तक पढ़ें, पांचवा वचन तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब आगे का वचन पढ़िए, चौथा वचन, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्सेस 4। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो देखो, परमेश्वर ने बुलाया किसे? अब्राहम को। तो अब्राहम उसके पीछे पीछे चला। अब्राहम ने ये नहीं पूछा, प्रभु क्यों जाना है, प्रभु कहाँ जाना है, प्रभु किस लिए जाना है, मेरे जीवन में क्या लाभ होगा जब मैं करूँगा तो, या ऐसे करूँगा तो। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये है स्टार्टिंग, जो फर्स्ट है, जो आशीष जब हमारे जीवन में आनी होती है, तो ये वचन को जब हम फॉलो करते हैं, जो प्रभु ने क्या दिया जब हम उसे करते हैं, हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारे आशीष जब हमारे जीवन में है,
आने के लिए है, तो उसे हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, जो प्रभु ने आपको दिए, जो वचन है, जो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हो, आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो, प्रभु कह रहा है ये ना कर, लेकिन आप करते हो, तो इसका मतलब क्या करते हो? आप पाप करते हो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप जरूर उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करोगे और अनुग्रह मांगोगे परमेश्वर से। तो देखो, अब्राहम ने आनाकानी नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पीछे चलने के लिए निर्णय लिया। और मैं क्या पढ़ते हैं हम वहाँ पे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब एक और वचन पढ़े, जेनेसिस चैप्टर 13:17-18। आप पढ़िए वचन, उत्पत्ति की किताब 13:14-18 तक पढ़ें। हालेलुया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहाँ पर देखते हैं यहोवा अब्राहम से क्या कहते हैं, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चढ़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तो जैसा जैसा परमेश्वर करने के लिए कहते थे वैसा ही वो अब्राहम करता था। ये है उसके जीवन में ब्लेसिंग का आना। हालेलुया, जो प्रभु ने कहा वो उसने किया। और वचन पढ़िए उत्पत्ति 15, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15, आप वहां 1 से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन, यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने यहोवा पर विश्वास किया। देखो, उसका बेटा नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा तेरा बेटा होगा, लेकिन उसने क्या किया, क्या किया अब्राहम ने, विश्वास किया, और इस चीज को यहोवा ने क्या, और इन बातों को उसके लेखे में धर्म गिना गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में विशेष बात देखते हैं कि वो प्रभु की ही मर्जी करता था, कि और उसका हम मेन चीज देखते हैं कि उसका रिलेशनशिप था परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ, जो प्रभु कहता था वो करता था। हालेलुया। और जहां पहले जमाने में क्या किया जाता था, और पहले जमाने में बलिदान चढ़ाया जाता था, बलि, होम बलि, अन्य बलि, इस तरह का पहले बलिदान चढ़ाया जाता था। तो देखो, जब जैसे जैसे वो यहाँ से कुछ करके वहाँ कुछ करके गया, यहाँ से फिर वहाँ, जैसे जैसे प्रभु यहोवा कहता था वैसे वैसे अब्राहम करता था और परमेश्वर के यहोवा के लिए भेंट चढ़ाता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इसका मतलब ये कि वो परमेश्वर के साथ उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, जो प्रभु कहता था वो करता था, और इसलिए अब्राहम वो आशीषित हुआ। पहली बात हम देखते कि जो यहोवा कहता था, जो परमेश्वर कहते थे वो फॉलो करता था, उस उनकी अब्राहम जो था वो उनकी बातों को मानता था, परमेश्वर यहोवा की बातों को मानता था। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने कह दिया हाँ तेरा होगा, तो उसने विश्वास किया, और विश्वास किया तो यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिनिया। इसीलिए तो अब्राहम को कहते हैं कि विश्वास का पिता ही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद हम क्या देखते हैं उसके जीवन में, और वचन को पढ़ें, उस वचन को पढ़ें, उत्पत्ति 17। जब अब्राहम 99 का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा
बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, और मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो देखो अब्राहम को देखो, जब यहोवा परमेश्वर से बात कर रहे थे, वचन को सुना, परमेश्वर जो बातें सुनते मुंह के बल गिरा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, और उसके साथ वाचा बंधा, और परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम ना रखा बल्कि अब्राहम रखा, और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी। और क्या आशीषें दी? मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान जिसमें सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति से दूंगा। वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो अब्राहम देखो ब्लेसेड हुआ, क्योंकि प्रभु जो कहता था वो बात मानता था, और अब्राहम का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, भेंट चढ़ाता था परमेश्वर के लिए, वो बातें को सुनता था और उसके ही अनुसार किया करता था। यहोवा ने बोला, तंबू खाड़ वहां चल, इस देश को छोड़ वहां चल, मैं तुझे वहां भेजता हूँ, तो वो जाता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसी प्रकार से जब प्रभु हमें कहता है तो हमें करना चाहिए, तब हम आशीषित होकर बदल जाएंगे। आज आपका रिलेशनशिप कैसा है परमेश्वर के साथ? अब्राहम का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था, बहुत ही मजबूत था, और तभी वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, परमेश्वर जो कहता था वो करता था। आज पर वचन आपसे कहता है, आप मैंने आपको बताया कि वचन क्या है, परमेश्वर है, मैंने आपको वचन से बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़िए उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब इसी वचन को आप इंग्लिश में भी पढ़ें, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1:1, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड and the word was with God and the word was God. The same was in the beginning with God. All things are made by him and without him was not anything made that was made. In him was life and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness and the darkness comprehended it not. Hallelujah. Prabhu ka dhanyavad, Prabhu ki stuti ho. तो देखो वचन परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यही वचन हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि केवल तू अपने प्रभु की ही आराधना करना, अपने परमेश्वर की ही स्तुति करना, और यीशु मसीह को छोड़ और किसी का नाम नहीं दिया गया है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, केवल एक नाम है और वह नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा ही द्वार है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम किसी और का नाम लेते हैं, और ये क्या है? इसी में जब हम पहली बात में तो हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर यहोवा ने कहा चल तो वो चला, बैठ तो वह बैठा, ये कर तो वो किया, और परमेश्वर की आज्ञा का अनुसार किया। उसी प्रकार से आज वचन आपसे कहता है, एक ही नाम दिया गया है, यह फर्स्ट है, आपका फर्स्ट ब्लेसिंग कहाँ से आएगी आपको? पहला परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर को पूर्ण रीति से आप जब ग्रहण करेंगे अपने जीवन में। और पढ़िए रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में पढ़िए, रोमन चैप्टर 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि विश्वास करे कि उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कि अपने मन से विश्वास करे, क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किसको? प्रभु यीशु मसीह, वो मरे हुए में से जिलाया गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। यदि विश्वास करे तभी तू उद्धार पाएगा, प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उसके बाद का जब हम वचन पढ़ते हैं,
कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, तू लुचपन ना करना, तू फोट ना डालना, विरोध ना करना, जलन नहीं रखना, मूर्ति पूजा ना करना, अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए, ऐसा डरपोक ना होना। आज हम क्या करते हैं, जो प्रभु का वचन कहता है उसको छोड़ के हम अपनी मर्जी करते हैं। देखिए प्रभु का वचन जब अब्राहम के पास पहुंचा तो अब्राहम ने परमेश्वर की वचन के अनुसार किया और उसका रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ, इसलिए वो आशीषित होकर रहा। यदि आज आप भी, आपका भी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रहेगा, कैसे होगा रिलेशनशिप? प्रार्थना में। तो आप भी आशीषित होकर बदलेंगे, आप भी आशीषित होकर बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। रिलेशनशिप का हिंदी में अर्थ होता है संबंध, और संबंध का अर्थ होता है कि कैसा संबंध, वो होता है परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बनाए। और वो संबंध हम बनाते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते बैठकर, आज आप बताइए आप परमेश्वर को कैसे लेते हो, क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? और इसी से आपका पता चलेगा कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या आप परमेश्वर से अगापे लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, मतलब बिना स्वार्थ का प्रेम? और वो कैसे पता चलता है? जब परीक्षाएं आती हैं वो कैसे प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करते हो? प्रूफ और प्रमाण कैसे होगा? आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हो, मान लो कि उस बीच रास्ते में कोई कहता है छोड़ दे परमेश्वर को, इससे क्या रखा, कुछ नहीं है, चल तू मेरे साथ चल, वहाँ चल और वहाँ तेरे को सब कुछ मिलेगा, और आप परमेश्वर को छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो और अब डगमगा गए और आप विश्वास की परीक्षा में गिर गए, जिस तरीके से हवा गिर गई। हालेलुया। और बहुत सारे आपको ऐसे ऐसी बातें आएंगी, ऐसे ऐसी चीज़ें आएंगी आपको परमेश्वर के रास्ते से डगमगाने के लिए। मान लो कि यदि आप परमेश्वर के साथ अटूट संबंध है, मतलब परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी परमेश्वर के रास्ते से हिला नहीं सकता, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां। और परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी अब भी वो परमेश्वर में बना है, अड़ा और खड़ा है, तब परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये विश्वास की परीक्षा, इसी से पता चलता है कि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े कि नहीं, और इसी से पता चलता है कि आपका प्रेम कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। क्या आप परमेश्वर को यूज़ कर रहे हो क्या, कि वाकई में आपका परमेश्वर के साथ अटूट संबंध है, स्ट्रांग आपका परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है? और वह कैसे पता चलेगा? विश्वास की जब परीक्षाएं होती है, आपको बोलेंगे इधर चल, इसमें कुछ नहीं रखा, तब चले जाओगे, इसका मतलब आप यूज़ कर रहे थे परमेश्वर को। कई ऐसे होते हैं परमेश्वर में आ तो जाते हैं, प्रभु को तो मानते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में कठिनाइयां से गुजर के जाना पड़ता है, परेशानियां आती, तो वो क्या कर देते, परमेश्वर को छोड़ देते। अरे परमेश्वर में तो थे, तब तो ठीक था, तब तो अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी परीक्षाएं आती तब डगमगाने लगते हो और प्रभु को छोड़ देते हो, फिर कहीं और आप फिर किसी और की, फिर किसी और के नाम को आप ग्लोरीफाई करने लगते हो, जबकि परमेश्वर ही हमारा एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारे चीज़ें हुई हैं और मैं प्रभु में बनी रही, क्योंकि वचन को मैं पढ़ती थी और वचन से मुझे पता था कि यीशु मसीह के सिवा और कोई भी नहीं है। हर चीज़ हम घूम फिर के आ गए और पता चल चुका कि सत्य केवल एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और विश्वास की मेरी भी परीक्षाएं हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैं परमेश्वर में बनी रही, अड़ी और खड़ी रही। और जब मान लो कि अब, और जब हम परमेश्वर को यूज़ करते, प्रभु चंगा कर दे, बस हो गया, ठीक है चलो अपने रास्ते चलो, बस चंगा कर दिया था कि सीमित है, प्रभु आज मेरा बिजनेस को ब्लेस कर दे, बस वहीं तक सीमित है। तो आप परमेश्वर को यूज़ करते हो, हमें परमेश्वर को यूज़ नहीं करना, हमें परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम आशीषित होकर बदल गया। और इसीलिए मैंने आपको वचन बताया कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। केवल बाइबल में जब देखते हैं अब्राहम ने ही नहीं, बल्कि अब्राहम के जीवन में देखते हैं, मूसा के जीवन में देखते हैं, दाऊद के जीवन में देखते हैं, रूथ के बारे जीवन में देखते हैं कि वो कैसे वो अपने सास के साथ चली। हालेलुया। और पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बाइबल में, लेकिन आज मैंने आपको एक पर्सन के, और वो है किसके बारे में बताया, अब्राहम के बारे में। जो प्रभु का वचन पहुंचा तो उसने तुरंत किया, सोचना थिंक, वो सोचा नहीं अरे मैं करूँ कि नहीं, मैं प्रभु का बात मानूँ कि नहीं, उसने नहीं सोचा। हाँ प्रभु ने बोला है मुझे करना है, जब प्रभु बोलता है तो हमें करना है, जब प्रभु आपके बारे में बोला तो आपको करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा। और ये कहाँ पर लिखा गया बोलोगे कि परमेश्वर कहाँ बात करता है, तो वचन पढ़ते, प्रभु का वचन क्या कहता है, ये नहीं करना,
तो नहीं करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं होने की वजह से आज हम डगमगा जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए फिर बाद में कहते हैं कि मेरे जीवन में परेशानियाँ क्यों आ रही, मेरे जीवन में इतनी बीमारियाँ क्यों आ रही, क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं रहता है। अब्राहम भी तो मनुष्य था, उसके जीवन में भी वह बेटे की आशीष नहीं थे, लेकिन उसका रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ, और इसलिए परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, धीरज धरते हैं, तो प्रभु आपको भी वो आशीषित होकर बदल देगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जितने आज के वचन को सुन रहे हैं 100% आप ब्लेस्ड हैं, सभी बोले आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आप दृढ़ निश्चय करेंगे और फैसला लेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए आज आज आप जांच कर देखिए कि आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या रिलेशनशिप है, या फिर आपका परमेश्वर के साथ सेवा यूज कर रहे हैं परमेश्वर को काम निकलवाने के लिए, प्रार्थना कर दो चंगे हो जाए भी, चलो फिर अपने रास्ते। ऐसा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कोई तांत्रिक नहीं है, परमेश्वर कोई बाबा नहीं कि तांत्रिक लोग करते ना, बाबा लोग करते हैं तंत्र मंत्र फूंकते हैं तो चल ठीक हो गया, चल फिर चलो घर। वो बाबा नहीं है कि तीन दो दिन का घर में करवा ले, मीटिंग करवा ले, चल तेरा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर, कोई बाबा नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है। वो मन के साथ आना, आपका मन हृदय परमेश्वर के करीब आना चाहिए। प्रभु क्या कहता है, तू मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊँगा, परमेश्वर के निकट आऊँ तो वह आपके निकट आएगा। हालेलुया, जितना मर्जी प्रार्थना करवा लो, जितना मर्जी करवा लो, जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा। जितना मर्जी उपवास कर लो, जितना मर्जी फास्टिंग प्रेयर कर लो, जब तब तक नहीं होगा आपके जीवन में कुछ, जब तक आपका आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ या आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कैसे होगा, प्रार्थना 5 मिनट के करते हैं, क्या रिलेशनशिप बनेगा, कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे? आप तो 5 मिनट में आप प्रेजिंग ही नहीं कर सकते हो, गाना तो दूर की बात है। इसलिए रिलेशनशिप बनाए, गाना गाए, प्रभु की स्तुति करें। मैंने बार बार बताया कि प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बैठ के वेट करें प्रेजेंस में। कैसे वेट करना है, बैठे प्रभु जी हालेलुया, अपने पापा को माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु मैं आपके बात सुनना चाहती हूँ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। और ये सहायक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक सहायक के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है, मदद करता है। मैंने आपको बताया कल की प्रार्थना में कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मेरे ऊपर आया तो मेरा आत्मा जो परमेश्वर से बात कर रहा था और हर एक मेरे जीवन का हाल को परमेश्वर के आगे बता रहा था, वो आत्मा सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोगों के जीवन में जरूरी है। आप पवित्र आत्मा पाएं लेकिन पवित्र आत्मा भर कर प्रार्थना नहीं करते, तो दैट मीन्स इसका ये कि आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, शोकित करने का अर्थ ये है फिर वो पवित्र आत्मा को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, प्रार्थना में बैठें, प्रभु से बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, प्रभु मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। कैसे बात करोगे परमेश्वर से? वही जरिया है पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसी के थ्रू आप बात कर सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप बताइए कितने लोग आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, क्या परमेश्वर को यूज तो नहीं कर रहे हो? आप जांचिए अपने जीवन को, यदि ऐसा है तो माफ़ी मांगे परमेश्वर से, क्षमा मांगे, प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। यदि आप कर भी रहे तो माफ़ी मांगे परमेश्वर से, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब्राहम क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को किया। और आप भी आशीषित होंगे, मेरा विश्वास है जितने लोग वचन सुन रहे हैं आप परमेश्वर के पीछे चलने का आज निर्णय लेंगे, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, संबंध रखने के लिए आप निर्णय लेंगे, दृढ़ निश्चय फैसला लेंगे, आपका डिसीजन आपको ऊंचा करेगा, आपका एक डिसीजन नहीं तो ऊंचा करेगा, नहीं तो एक बैड डिसीजन आपको नीचे गिरा देगा, और आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया, और परमेश्वर के समक्ष बैठे और प्रार्थना करें। एक टाइम प्रार्थना करती तो 2 टाइम कर दीजिए, बाइबल आप पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, तब कैसे रिलेशनशिप रखोगे परमेश्वर के साथ? वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, इससे हम परमेश्वर से बात करते हैं। जितने मर्जी आप बातें कर ले, यदि प्रार्थना नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं है। यदि आपका संबंध परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब फिर आपके जीवन में प्रेम कैसे आएगा परमेश्वर के प्रति? हालेलुया, जब आप मसीह, जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति अनकंडीशनल होगा, निस्वार्थ होगा,
तो कोई भी आंधी तूफान, समस्या रूपी तूफान, आंधी तूफान, कोई ऐसी चीजें आपको हिला डुला नहीं सकेगी परमेश्वर की, परमेश्वर से कोई दूर नहीं कर सके। मेरे जीवन बहुत सारी आई, मुझे हिलाने के लिए आई, मुझे डुलाने के लिए आई, परमेश्वर से प्रेजेंस से दूर करने के लिए आई, लेकिन मैं तब भी बनी रही। मुझे नहीं पता, मेरा एक ही परमेश्वर है और वो है यीशु मसीह। चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मेरे एक ही परमेश्वर है। जितना मर्जी मुझे बोलो, जितना मर्जी कर लो, मैं परमेश्वर में रहूँगी, जिसको जो करना करे, लेकिन मुझे परमेश्वर में बने रहना है। आप कभी ऐसा ही होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में बेटे की आशीष नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहा, अड़े और खड़े रहा, वो कहीं नहीं गया। दे या ना दे प्रभु, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जिस दिन आप बोलूंगे दे चाहे ना दे परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर हो, तो देखना सब कुछ वो आशीष होकर बदल जाएगा। हालेलुया। और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सेटल चाहते हो, सब कुछ आशीषित चाहते हो, सब कुछ एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो आपको आज परमेश्वर के निकट आना होगा। परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, परमेश्वर के पीछे पीछे चले, जो प्रभु कहता है, वचन कहता है, उसके अनुसार करे। हम अपने बल सकते से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं कर सकूँ परमेश्वर पिता। और देखना आपके बंधन टूटेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। जब सुलेमान ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, और उसने रास्ते में आते आते उसने 1000 बलिदान चढ़ाए, भेंट चढ़ाए, तो परमेश्वर उसी रात परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर ने उसे बुद्धि की आशीष दी। और जब आप भी आज फैसला लेंगे परमेश्वर में, फैसला लेंगे, तो आप भी आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज फैसला लीजिए, आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप पे रहेंगे या नहीं। परमेश्वर में रिलेशनशिप का अर्थ ये, आज आप प्रेम, वो प्रेम करना परमेश्वर से, उनसे बातें करना प्रभु यीशु से, वचन को पढ़ें, प्रार्थना में स्पेंड करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आप 100% रिजल्ट के साथ वापस आएंगे और आपके जीवन में सब कुछ आशीषों का बदल, चाहे भयानक से भयानक बीमारी हो, डेंजरस टू डेंजरस, लाइलाज बीमारी, वो सब चंगे होंगे। चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप बोल नहीं सकते, आप बोलेंगे। आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी। हालेलुया, और सब कुछ होगा आपके जीवन में, बेस्ट टू बेस्ट एवरीथिंग। फैसला ले प्रभु में रह के, सही फैसला, सही डिसीजन, वचन के अनुसार, और देखिए अपने जीवन में अद्भुत कामों को। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जो आपने वचन दिया पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, बाबा शरणा बका तेरे लबा तेरे के तेरे लबा शरणा बका तेरे लबा तेरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, सुबह के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने लोग भाई बहन आज के वचन को सुना प्रभु जी, जो अपने वचन दिया स्वर्ग से भेजकर, ओ लॉर्ड जीसस, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके अपने जीवन में, जैसे अब्राहम आपके अनुसार चलता था प्रभु, जब आपकी बातों को मानता था, आपके वचन को, उसी प्रकार से इन भाई बहनों के जीवन मदद कर, सहायता कर, विशेष अनुग्रह कृपा दे के चला, कि आपकी मर्जी करने पर आप परमेश्वर पिता अनुग्रह दे कि ये आप की, और आप विशेष अनुग्रह कृपा दे पिता परमेश्वर की, आपके साथ बने रहें पिता परमेश्वर, अड़े और खड़े रहें, स्ट्रांग द विश्वास में, फेथ में मजबूत होने के लिए मदद और सहायता करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज परेशानी में, प्रभु आज आपको बुलाता है, परमेश्वर के निकट आइए, प्रभु के निकट आइए, तो आपके बंधन टूटेंगे और आप जा देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी ऐसी गवाही आ रही है, बहुत सारी आ रही है कि परमेश्वर ने उनके जीवन को छुटकारा दिया, चंगा किया। जो चल नहीं सकते वो चलने लग रहे हैं, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लग रहे हैं, तो आप कैसे रह सकते हैं ऐसे? आप भी अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया, यदि आप बीमार हैं तो बोलिए प्रभु यीशु जी, मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। बोले अपने मुंह से बोल कर अंगीकार कर करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, रा बाबा शरा ला बा तिर डबा तिर के तिर डबा तिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु जी दया करो, जितने लोग अभी भी आप गलत कामों में हैं, गलत कामों में हैं, धोखा दे रहे हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र कर, शुद्ध कर, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। हालेलुया, हालेलुया, रबा बा शेरा लाबा खतीरा बा तेरे के तेरे डबा शेरा डबा खतीरा डबा तेरा।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग बीमार हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया बाबा शरडबा का तिरडबा थ्री के तिरडबा में प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बीमार हैं अपने हाथों को वहाँ पे रखें। हालेलुया हालेलुया रा बाबा शरडबा का तिरडबा थ्री के तिरडबा शरडबा का तिरडबा तिरा में प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बीमार हैं मैं डांटते प्रकार की बीमारी को आपके जीवन को छोड़ के जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बाबा बाबा शरडबा का तिरडबा थ्री के तिरडबा शरडबा का तिरडबा थ्री के तिरडबा तिरा। हालेलुया मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन बीमार हैं मैं डांटती हर प्रकार की बीमारी को, हर एक लाइलाज बीमारी को डांटती हूँ। अपने हाथों को वहाँ पे रख लें जहाँ पर आपको परेशानी है, जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ पर भी बीमारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी आपको छोड़ के जाए। राबा खथूरा लाबा थिर के धीरे डबा शर। हालेलुया बाबा बाबा शर लाबा का तिरडबा थिर के धीरे डबा थिरा। मैं बीमारी को डांटती आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी डीमंस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके आप यदि निराशा है तो आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। डिप्रेशन को मैं डांटती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया आपकी मानसिक स्थिति सही हो जाए, चंगे हो जाए। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान और समझ की आत्मा दे। आपका 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 मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाए। हर प्रकार की माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अस्थमा की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। आप खाना नहीं खा पाते, आपके गले में प्रॉब्लम है, समस्या निगल नहीं पा रहे हैं। मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि पीलिया है, यदि काला पीलिया है, यदि टीवी की बीमारी है, कुछ भी है, अलाइलाज बीमारी है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टाइफाइड मैं तुझे डांटती हूँ, बुखार मैं तुझे डांटती हूँ, आई रिब्यूक्ड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपको वोमिटिंग आ रही, वोमिटिंग नहीं रुक रही है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ कि पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, पेट का दर्द, पेट का सूजन बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हार्ट की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगी हो जाए। कैंसर की बीमारी को मैं डांटती हूँ, चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द, हड्डी के रोग से ज्यादा चंगी हो जाए। आपका पैर के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। स्वेलिंग खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए। आपकी हेयर फॉल की समस्या से आजाद और चंगे हो जाए। स्किन की प्रॉब्लम जाए और आजाद और चंगे हो जाए बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो बीमार हैं, यदि नवजात हैं, यदि न्यू बॉर्न बेबी है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो बच्चे मिल्क नहीं पीते, दूध नहीं पीते, मैं प्रार्थना करती हूँ वो दूध पीने लगे। हालेलुया जो किड्स, जो बच्चे जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनकी वीकनेस जाए, उनकी कमजोरी जाए, उनकी समस्याएं जाए, उनके शरीर की समस्या को मैं डांटती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बेबी हष्ट पुष्ट बलवंत है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका यदि प्रेग्नेंट है, मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया प्रभु की स्तुति। हर प्रकार की कमजोरी वीकनेस खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु अपने ब्लेस कर दिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, अनुग्रह उंडेल दिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी समस्या से आजाद हो जाए। शुगर को मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, नॉर्मल हो जाए। आपके बीबी के प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करते आपका बिजनेस आशीषों का बदल जाए। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। आपको नौकरी से ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्टडी कर ले, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे और आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आपका बिजनेस आशीषों का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने पे आपके आपके काम होने लगे यीशु के सामर्थ्य। आपका लोन, जो आपका लोन पास नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ लोन पास होने के लिए। प्रार्थना करती हूँ जो कर्जाई बोलते हैं, हम कर्जाई हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जो डेब्ट है, जो कर्जे में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दया कीजिए। पिता परमेश्वर स्वर्ग से मददगार को भेजिए प्रभु जी, मदद करो और आप देखेंगे अपने जीवन में मददगार को और अब जल्द आप छुड़ाए जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम और गवाही के साथ वापस आने वाले हर एक जन को जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं, जिनके पास काम नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस करती आपको काम से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया आपका बिजनेस आपका आशीषों का बदल जाए। आपका पेपर ब्लैश का बदल जाए। आपका डॉक्यूमेंट का पेपर लीगल हो। आपका परमानेंट रेसिडेंसी पीआर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको वीज़ा मिलने के प्रार्थना करती हूँ। आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी, लड़ाइयाँ, झगड़ा, शक, संदेह, ऐसी चीज़ें जल रही हैं, तो मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों का बदल जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया आपका आपका जीवन साथी बदले, आशीषों का बदल जाए। आपका पति, आपका पत्नी बदल जाए और आशीषों को बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा तब सब कुछ आशीष होकर बदल जाएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन परमेश्वर के साथ हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके शादीशुदा जीवन आशीषमय होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपके बच्चे आशीषों को बदल जाए, आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, सब कुछ आशीषों का बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। जो नशा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, नशे के स्पिरिट में तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे निकालती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। का हर प्रकार की नशा, छोटे से लेके बड़े नशा तक, मेडिकल नशा तक, बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। का जिसका जो बुरी संगति में फंसा, जो बुरी आदतों में फंसा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेसर और आनंदित होकर बदल जाने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन कोई भी जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बेल मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। और आप छुड़ाई जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में परमानेंट। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और आपका केस क्लोज होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। आपका जमीन का केस भी सॉल्व हो और आशीषों को बदल जाए। आपका हर एक काम आशीषों को बदल जाए। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती। जितने लोग काम करते हैं, अंदर बाहर जाना करते, सबको मैं यीशु के लहू में कवर करती। कोई कोरोना वायरस सबके निकट ना आने पाए। जो हॉस्पिटल में काम करते, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और जितने लोग सुबह काम में जाते हैं, प्रभु आपके संगों साथ रहे, आपको परमेश्वर काम करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन को प्रभु में बढ़े और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रहे। जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जिनको दुष्टात्मा के अटैक होते हैं, मैं डरती यीशु के सामर्थ्य नाम में टलने वाली दबाटी नाम जीसस का। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो काम नहीं कर सकते वो करने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपका शरीर भला और चंगा, हस्त और पुष्ट होकर बदल जाए। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज को बहुत देते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे और हजार गुना बढ़ाए और आपको ब्लेस और आशीषों को बदल जाए। आपका काम आय का हिस्सा ब्लेस हो जाए, आपके घराने आशीषित होकर बदल जाए। आप पूछ नहीं परमेश्वर के तो सिर ठहराए और आप उधारे मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले होकर बदल जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, उसमें कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक मसीह की तहजीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपनी गवाही को शेयर करें, आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके भेजें जो व्हाट्सअप नंबर में दिया गया। गवाही भेजने के लिए देने के लिए तो अपनी गवाही जरूर भेजें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें आप प्रार्थना कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हो। और आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने दशमांश को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हो। जो बाहर से हैं, फॉरेन कंट्री से, तो आप भी आप भेज सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना जो परमेश्वर ने दिया, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। और साथ टीम के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर वॉरियर के लिए प्रार्थना करना, कि और भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचा सकें। और केवल बचाना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि हम उसे बचा के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित करके खड़ा कर सकें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रार्थना करना, रिकॉर्डिंग स्टडी के लिए भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए, अनुग्रह देकर चलाना चाहिए। जो परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में, और भी और जो भी परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में, सब कुछ हम फॉलो करते हैं उसके पीछे पीछे जाने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करना चाहिए। प्रभु को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।